The class subject myself is dear student. कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित बातें बताई थी और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करवाया नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आपने 2-3 क्वेश्चन जरूर लगा दिए। नाउ वी टुडे टेक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट एंड राइट हियर सो दैट द मॉडल फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल मॉड ऑफ x इज नाइदर नॉर्मल नॉर्म। ये आपको प्रूव करना है तो ध्यान दो। एक आपका मॉडल फंक्शन है जिसे आपको प्रूव करना है नाइदर नॉर्मल नॉर्म। और ये किसमें दिया गया मॉडल फंक्शन 1-1 f such that R2R ये आता है f such that R2R इसे यहां लिखना पड़ेगा f such that R2R ठीक है। रियल फंक्शन रियल से रियल में है और ये डेफिनेशन उसकी है। ये फंक्शन है R2R और इसे प्रूफ करना है 1-1 एंड R2। यस प्लीज पे अटेंशन। तो सबसे पहले देखो जरा मॉडल फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड देन इक्वल एंड मॉड ऑफ एक्स इक्वल माइनस एक्स इफ x is less than u। तो यहाँ पे दो तरह की बात है। x is greater than 0 तो x आएगा and less than 0 तो माइनस आएगा क्योंकि ये ही माइनस पॉजिटिव बना देता है कोई नेगेटिव माइनस। तो दैट अबाउट तो जस्ट यू सी हियर द फंक्शन आर मेंटिंग सच दैट r वन एंड डिफाइंड एज कैसे डिफाइन किया गया f फंक्शन ऑफ x इज इक्वल मॉड ऑफ एक एक करके हमें कुछ चेक करना है कि ये 1-1 है या नहीं ऑन टू हेयर। डियर स्टूडेंट 1-1 को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू कहते हैं सब्जेक्टिव और अगर कोई मैट्रिक 1-1 ऑन टू दोनों होती है तो वो कहलाती है बाइजेक्टिव। दीज आर द वर्ड्स Already I have told fx इसे करना है। देखो ये सेट ऑफ रियल नंबर है आपका डोमेन भी रियल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी। ये डोमेन होता है ये कोडोमेन होता है। ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है और ये भी सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखो आप लेट 1-1 belongs to capital R then f1 equal mod of 1 is equal 1 and here there are so many elements इसमें बहुत सारे element हैं मैंने कोई दो element ले लिए f minus 1 that equal mod of minus 1 mod of minus 1 माने कौन एब्सोल्यूट वैल्यू होती है दैट फ्री फंक्शन। तो यहां पे आपने क्या देखा बनता इमेज 1 हो गया माइनस 1 का भी इमेज 1 हो गया। तो हियर वी सी दैट हियर वी सी दैट आप क्या देख रहे हो भाई 1 एंड माइनस 1 हैव द same image one दोनों का image one आता है। अगर domain के
एक या दो एलिमेंट या उससे ज्यादा एलिमेंट का एवरेज सेम आता है तो वो मैट्रिक बर्मन नहीं होते, वो माइनिमम हो जाते। तो दैट इंप्लाइज देयरफॉर वी कैन से fx इज नॉट बर्मन, इज नॉट वन वन, ये आपका बर्मन नहीं है, ये आपका बर्मन नहीं। तो ये आधा पार्ट आपका इस क्वेश्चन का हो चुका है। ये पार्ट अब हमें करना है क्या ये ऑन टू है, तो जस्ट यू सी हियर फॉर अंत के लिए मुझे क्या करना है, ये स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना। इसकी डेफिनेशन है एफएक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स, तो थोड़ा अगर हम गौर करें, ये हमने डोमेन बना लिया कैपिटल आर और ये हमारा को डोमेन हो गया, दोनों से सेम जरा यहां पर वन माइनस वन टू माइनस टू थ्री माइनस थ्री इस टाइप के एलिमेंट बहुत सारे हैं। जरा ये इनफाइनाइट सेट है, जरा सो मैनी एलिमेंट हियर आल्सो वन माइनस वन टू माइनस टू थ्री माइनस थ्री एंड डॉट दीज आर द इनफाइनाइट सेट्स आर सेट ऑफ रियल। तो यहां अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफएक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स, जरा वन का इमेज क्या होगा वन होगा, माइनस वन का क्या होगा ये भी वन होगा, ये भी आपको वन होगा, क्लियर। वन का इमेज और ऐसे टू का इमेज क्या होगा, टू का इमेज टू होगा, माइनस टू का क्या होगा ये भी आपको, ऐसे थ्री का इमेज क्या होगा थ्री होगा, माइनस थ्री का थ्री होगा, क्यों मॉड ऑफ माइनस थ्री इक्वल थ्री। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये एलिमेंट इधर छूट रहे हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, एक तरह से अगर आप देखें तो सारे निगेटिव नंबर यहां पर छूट रहे हैं और पॉजिटिव नंबर और इधर से सारे एलिमेंट का इधर इमेज बन रहा है, इधर के दो तो इधर इमेज उनका बन रहा है, ठीक है। तो हियर वी सी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन दैट इज आर डोमेन भी आर है और को डोमेन भी आर है, तो इसलिए को डोमेन शब्द लिखना पड़ेगा। Therefore, every element of codomain R not has three images in domain R. इसके प्रत्येक एलिमेंट का यह three images मिलना चाहिए था onto होने के लिए, लेकिन यहाँ माइनस वन छूट रहा है इसका इधर कोई three image नहीं है, माइनस टू छूट रहा है इसका इधर कोई three image नहीं है, clear? So it is not R. BC then. Not has its pre-image in domain R So giving function, therefore giving function fx is not onto. ये आपका onto नहीं है, ना तो बंधन है ना onto. It means that is the ultimately we can say fx is neither bandhan any other.
neither neither one one neither one one and nor one nor one ना तो ये वन वन है ना वन क्लियर आउट टू दैट वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्लियर सेम वे यू मे सॉल्व रिमेनिंग्स ऑफ दिस एक्सरसाइज सो डियर स्टूडेंट नोट डाउन द एसडब्ल्यू एसडब्ल्यू ऑल ओवर इट शो राइट डाउन द एसडब्ल्यू Try to solve remaining questions of exercise 1.1. So it is your homework. Note and try to do it. If the problem, you will consult tomorrow. Thank you. Wish you good luck.